नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज का विषय है रुद्राक्ष। कैसे रुद्राक्ष आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आपके भाग्य में परिवर्तन ला सकता है और आपको आध्यात्म के रास्ते में एक लंबी दूरी की यात्रा करा सकता है। व्यूअर्स, रुद्राक्ष एक बहुत ही पवित्र चीज़ है और इसका अर्थ है रुद्र का हिस्सा। रुद्र भगवान शिव का दूसरा नाम है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू की बूंदों से हुई है। प्राचीन समय में रुद्राक्ष को आभूषण, संरक्षण, ग्रहों की शांति और आध्यात्मिक लाभ के रूप में प्रयोग किया जाता था। कुल 17 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 11 प्रकार के रुद्राक्ष का उपयोग ही विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्यूअर्स, इसका उपयोग करने से अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं और इसका प्रभाव अचूक होता है, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब इसे सोच समझकर और कुछ नियमों का पालन करते हुए पहना जाता है। अगर रुद्राक्ष को सही तरह से नहीं पहना जाए तो आप इसका लाभ प्राप्त कर नहीं पाएंगे। व्यूअर्स, रुद्राक्ष को गले और हाथ में पहना जा सकता है, लेकिन रुद्राक्ष को गले में पहनना सबसे ज़्यादा लाभदायक रहता है। आप हाथ में 12 रुद्राक्ष, गले में 36 रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप गले में एक रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को हमेशा लाल रंग के धागे में ही पहनना चाहिए। रुद्राक्ष को सावन के महीने में सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन पहनना बहुत बहुत शुभ रहता है। आपको इसे पहनने से पहले शिवलिंग के सामने रखना चाहिए और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैं बता दूं व्यूअर्स, रुद्राक्ष से आपको क्या क्या लाभ होंगे। एक मुखी रुद्राक्ष, यूं तो ये रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है। इसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। ये रुद्राक्ष सिंह राशि के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जो लोग अपने जीवन में सूर्य ग्रह से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें जरूर एकमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उसके बाद देखना कैसे जीवन में परिवर्तन, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, शोहरत मिलती है। शर्त ये कि रुद्राक्ष प्योर होना चाहिए। असली रुद्राक्ष को ढूंढ निकालना एक बहुत भाग्य की बात है। अगर आपको मिल जाए तो आपका सौभाग्य है। दो मुखी रुद्राक्ष, व्यूअर्स, इस रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। कर्क राशि के लोगों के लिए रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभदायक रहता है। अगर आप अपने जीवन में वैवाहिक स्थिति से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो फिर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। बहुत लाभ, चंद्रमा से संबंधित कोई भी दोष है, बहुत ब्लेसिंग्स भगवान शिव का आपको मिलेगा। तीन मुखी रुद्राक्ष, व्यूअर्स, ये रुद्राक्ष आग और गति का प्रतिनिधित्व करता है। ये रुद्राक्ष मेष और वृश्चिक राशि के लिए बहुत लाभकारी होता है। आप मंगल दोष दूर करने के लिए भी इसे पहन सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष व्यूअर्स ब्रह्मा जी का रूप है। मिथुन और कन्या राशि के लिए रुद्राक्ष बहुत बहुत प्रभावशाली है। ये त्वचा और बोलने संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सहायक साबित होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष व्यूअर्स, इसे कालाग्नि के रूप में जाना जाता है। इसको पहनना आपको ताकत और ज्ञान प्रदान करता है। ये रुद्राक्ष धनु और मीन राशि के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। शिक्षा ग्रह करने संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली माना जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष व्यूअर्स, इस रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय के रूप में माना जाता है। ये आपको वित्तीय और व्यावसायिक लाभ प्रदान करा सकता है। शुक्र ग्रह की दशा को सुधारने के लिए इसे पहना जा सकता है। तुला और वृषभ राशि के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। सात मुखी रुद्राक्ष व्यूअर्स, इस रुद्राक्ष को सप्त मातृका और सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है।
इस रुद्राक्ष को मारक दशा में पहनना शुभ माना जाता है। ये रुद्राक्ष मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष, व्यूअर्स, इसे अष्ट देवी के रूप में जाना जाता है। इसको पहनकर आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। इसकी मदद से आपको अचानक वित्तीय लाभ हो सकता है और ये आपको काले जादू के प्रभाव से बचाता है। राहु ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसे पहन सकते हैं। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष, इसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं। व्यूअर्स, रुद्राक्ष की महिमा जितनी गाई जाए उतना ही कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं रुद्राक्ष की महिमा बता सकूं। इतने लाभ रुद्राक्ष धारण करने वालों को मिलता है और साथ में भगवान शिव का ब्लेसिंग्स। बहुत भाग्यवान लोग ही होते हैं जिन्हें प्योर रुद्राक्ष मिल जाता है और उसकी पवित्रता को वे कायम रखते हैं और उसके द्वारा साधना करते हैं और जीवन की ऊंचाइयों को छा जाते हैं और अंतिम में मोक्ष के रास्ते में भी चल पड़ते हैं। धन्यवाद व्यूअर्स, एक और वार्ता के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। आदरणीय तमाम व्यूअर्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज की यात्रा गुरु की महिमा पर है। आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गुरु का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स के बिना आगे जाना बिल्कुल असंभव है। गुरु कृपा अगर मिल जाए इस जन्म में तो आपका उद्धार हो गया समझ लेना। कहते हैं गुरु की महिमा अपरंपार, जिसे गुरु कृपा मिल गई उसका तो उद्धार हो गया। जब तक गुरु की कृपा आप पर नहीं आती है तब तक आपका रूपांतरण हो नहीं पाता है। गुरु वो ऊर्जा है जो हमारे भीतर एक ऐसा रूपांतरण कर सकते हैं जो हमें ईश्वर तक साक्षात्कार कराने में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरु की सेवा करो तो ही ज्ञान मिलता है, किताबों से ज्ञान नहीं मिलता है। किताबों से तो जानकारी मिलती है पर बिना गुरु सेवा के ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गुरु संदीपनी की सेवा की थी, भगवान राम ने भी तो विश्वामित्र की सेवा की थी, कर्ण ने भी तो परशुराम की सेवा की थी। असली ज्ञान तो सेवा से ही मिलता है। जब तक सेवा का भाव नहीं आएगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु के आगे अपने आप को भूल जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। गुरु के स्पंदन के साथ अपने स्पंदन को एक कर देना ही तो ज्ञान है। जैसे आप प्रयोग करना, आप अपने कान में मोबाइल लगाकर एक गाना बजाना और वही एक बड़े स्पीकर पर लगाना और स्पीकर वाला जोर से बजाना, देखना आपका गाना और स्पीकर का गाना दोनों मिलाकर आप सुनोगे तो कितना आनंद आता है।
गुरु तो उस परम तत्व को जानते हैं और वही परम तत्व को जो जानता है वही परम तत्व हो जाता है। इसलिए गुरु और परमात्मा एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। गुरु के साथ रहने से, गुरु की सेवा करने से ही हम उस परमात्मा के पास होते हैं। गुरु का व्याख्यान मौन होता है और शिष्य उसको समझ लेता है। गुरु के साथ साथ रहने से वह भी एक दिन गुरु हो जाता है। यही तो गुरु परंपरा है, किताबों के जानकारी लेकर के और फिर उस पर गुमान करना कहाँ तक उचित है। वह तो किसी और का ज्ञान है, हमारा ज्ञान तो नहीं है। और उसने वो ज्ञान कैसे पाया पता नहीं, तो फिर उसके ज्ञान को हम किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। व्यूअर्स, और जरूरी नहीं कि किताबों में जो ज्ञान है वो पूरा है। किताबों से अगर सीखेंगे तो कभी भी मैदान में नहीं उतरेंगे, जबकि आध्यात्मिकता की शुरुआत है मैदान में उतरने से शुरू होती है। जब गुरु अपने शिष्य को भिक्षा लेने के लिए भेजता है तब शिष्य का अहंकार चूर चूर हो जाता है कि मैं तो बड़े घर का औलाद हूँ, मैं और भिक्षा मांगू बस। और दीक्षा का समय दूसरी बात होती है, उसका सिर मुंडा जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं। अब बाल जो है वो सबसे बड़े मोह के कारण है। आदमी का सबसे मोह दूर हो जाता है पर बालों से मोह दूर नहीं होता है। इसलिए तो वो बालों पर बाद नाज करता है। तो सबसे पहले गुरु उसके बाल कटवा देता दीक्षा के समय। अब वो मुंडन दे साथ किस तरह रहेगा यह वो ही जानता है जिसने मुंडन करवाया है। आध्यात्म तो बड़ी ही उल्टी होती है, इसमें किताबी ज्ञान नहीं, इसमें तो शाश्वत ज्ञान चाहिए। भगवान बुद्ध का पहला गुरु तो उनका रथ हांकने वाला ही था, जिसने इस जगत का सत्य भगवान बुद्ध को बताया। फिर बुद्ध करीब 6 सालों तक विभिन्न गुरुओं के पास रहे और उस तत्व को जानने का प्रयत्न किया। बुद्ध जिस विपासना की बात करते हैं वो भगवान शिव की और नाथ योगियों की साधना की विधि है। आखिर उसी श्वास को देखने की विधि से ही तो राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। बुद्ध के गुरु का नाम गौतम था, तभी बुद्ध को गौतम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने तो कभी किसी किताब का सहारा लेकर के ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो तो गुरुओं के पास गया और ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की, ध्यान किया। ये तपस्या और ध्यान किसी गुरु ने ही तो बुद्ध को सिखाया कि बुद्ध ऐसे ही ध्यान करने बैठ गए। व्यूअर्स, और हमारी परंपरा का ही नियम है कि ये तो सारे बाल और मूंछ और दाढ़ी समेत मुंडा लो या फिर सारे रखो। हमारी परंपरा में शो ऑफ नहीं कर सकते हैं और कैंची से बाल सेट भी नहीं करवा सकते हैं। व्यूअर्स, गुरु बिना ज्ञान असंभव है। मैं एक गुरु महिमा को कविता के माध्यम से कहूँगा, उनके ज्ञान को ग्रहण करके सवरता हूँ मैं, उनके नाम का समर्पण करके निखरता हूँ मैं, निरंकार वाणी में उनकी महानता को परखता हूँ मैं, फिर भी गुरु महिमा ना समझ पाता हूँ मैं। मैं चाहता हूँ उनकी ज्ञान की नदियाँ
नदियों में बहना, उनके चरणों में जीवन अर्पित करना, इस दिव्य संसार में सत्य सिखलाना। किंतु मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया कुसंगति में, डूब गया इन कुरणनीतियों की झीलों में, भाग गया मेरा बचपन मुझसे रूठ कर, रह गया माँ का आंचल मुझसे छूट कर। खुद के कारण ठुकराया अपनों ने, संगति के कारण छोड़ा अपने सभी मित्रों ने। लेकिन कभी ना साथ छोड़ा मेरे गुरुओं ने, निकाल दिया उस खाई से जिसमें फंस रहा था बरसों से, समर्पित किया वो गुरु मंत्र अपने हाथों से। जो ले कर गया अपनों के पास मुझे, वह फिर मिला वही साथियों का प्यार मुझे। वो कहते हैं मुझे शक्तिवान नहीं गुणवान बनाना सीखो, अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बनाना सीखो। गुरु तो हर जीवन की डोर होता है, इन करुणानिधि का आत्मसम्मान रखना सीखो। जल में पत्थर मारने से वह डगमगा जाता है, इनके तीव्र ज्ञान से समस्त संसार बदल जाता है। इन कम शब्दों में यही है कि गुरु सागर से हम जन्म सवर जाता है। कौन कहता है कि संसार में ईश्वर नहीं है, इस जीवन का अमृत मंत्र नहीं है। मैंने अपना भगवान गुरु चरणों में देखा, इस जीवन का राग उनसे सीखा। कहते हैं कभी वो फूलों की इच्छा रखने पर कांटे भी मिलते हैं, सदा जीत की चाह पर कभी हार भी मिलते हैं। यही तो जीवन की सीख है, दूसरों के लिए जीना मानवता की रीत है। इन अल्फाज को रोकते हुए यही कहूँगा, गुरु वो फूलों भरा रहा है जिस पर चलकर हमें मंजिल दिखाई देती है, वो कामयाबी की पुकार सुनाई देती है। हे करुणानिधि मुझको अपना लेना, मैं द्वार हूँ तेरे कदमों में पनाह देना। हे दाता बिन मांगे सब मिलने पर, आपसे क्या मांगूँ, मेरी नाव भंवर को है उस पे पार लगा देना। हे करुणानिधि मुझको अपना लेना। व्यूअर्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज की गुरु महिमा की वार्ता ही समाप्त करता हूँ। एक और वार्ता के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय गुरुदेव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सतगुरुक उजागर। राम दूत यतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रय रुध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के ताज समारे। गाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस नहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सूत्रि वही किन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय
सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानू ही मधुर मल जानू प्रभु भूत का मेरी मुख मानी जल दिलांदी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो दन आज्ञा बिन मैं सारे सब सुख रहे शरणा तुम रक्षक काहु को डरना आपन तेज समारोह आपे दीनो लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर मनमंत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके ताज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत कियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे कष्ट सिद्धि नव निज के गाता अस पर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनि रहे हनुमत बल मीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव दीनाई जो सत बार पाठ कर बोली छूटहि बन्दी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि जय राखी जे नाथ हृदय महि डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसन सुर भूप मंगल भवन मंगल हारि प्रभु सुदशरथ अजि बिहारी मंगल भवन मंगल हारे दशरथ श्री गुरु चरण सरोजर जय निज मन मुकुर सुधारी वरन रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सति लोक उजागर राम दूत यतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रय रुध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के ताज समारे गाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सिर लाए रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस नहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिकपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके नहाते तुम उपकार सूत्रि वही किन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानू ही मधुर फल जानू प्रभु भूत का मेरी मुख मानी जल दिलांदी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो दन आज्ञा बिन मैं सारे सब सुख रही
दहशत का हुक्मो डरना आपन तेज समारो आपे दीनो लोक हाक ते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर मनमंत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके ताज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत कियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे कष्ट सिद्धि नव निज के गाता अस पर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव दीनाई जो सत बार पाठ कर बोली छूटहि बन्दि महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि जय राखी जे नाथ हृदय महि डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसन सुरभूप मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।